मनीष गुरु, आज 6 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में 15 दिवसीय आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में, यानी इसका करेक्ट आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मला सीतारमण ने आयातित माल की सीमा शुल्क निकासी की बेहतर निगरानी और गति और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी IT पहल शुरू की है? तो ये शुरू किए हैं ISTS और अतिथि, यानी दोनों। अतिथि जो है ये एयरपोर्टों पर निगरानी के लिए रहेगी और ISTS जो है ये बंदरगाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में 19वीं भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग कहाँ शुरू होगा? तो ये आयोग शुरू किया जाएगा मॉस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी में 8 बार के चैंपियन भारत ने भुवनेश्वर में पुरुषों के 2 लेग FIH क्वालिफायर के दूसरे खेल में किसको 7-1 से मात देने के बाद अगले साल के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? ये क्वालिफाई किया रूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी में 8 बार के चैंपियन भारत ने भुवनेश्वर में पुरुषों के 5th क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम ने कितने विकेट लिए और भारतवी ने रांची में फाइनल में भारत से 51 रन की व्यापक जीत के साथ देवधर ट्रॉफी जीती है? तो शाहबाज नदीम ने जो है 4 विकेट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में जारी ATP रैंकिंग में राफेल नडाल की रैंक क्या है? तो राफेल नडाल की रैंक है 1st रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दशकों में पहली बार किस देश ने अल्जाइमर को ठीक करने के लिए घरेलू दवा को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में किस बैंक ने अपने उपभोक्ता बैंकिंग प्रमुख सुमन कथपालिया को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है इंडस इंड बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माधुरी विजय का पहला उपन्यास द फॉर फील्ड ने साहित्य के लिए JCB पुरस्कार जीता है। JCB पुरस्कार में कब स्थापित एक वार्षिक भारतीय साहित्य पुरस्कार है? तो JCB पुरस्कार जो है ये 2018 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2019 में 4.4% का विस्तार करने के बाद 2020 में गुआना की GDP कितने % होने की उम्मीद है? तो गुआना जो है ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, इसकी GDP जो है ये 86% होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने कहा ऑन फील्ड ट्रायल के लिए नैनो नाइट्रोजन नैनो जिंक नैनो कॉपर की शुरुआत करके भारत की पहले नैनो आधारित उत्पाद श्रृंखला पेश की है? तो ये श्रृंखला पेश की है गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित इतालवी गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो सुदर्शन पटनायक को इतालवी गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विभिन्न अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों के लिए हाइड्रोजन सेक्टर कपलिंग की संदर्भ उपयोग मामले की जांच मूल्यांकन और स्थापना के लिए NTPC लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं सीमेंस लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा 2019 में अर्ली कैरियर रिसर्च ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है नीरज शर्मा को, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर वायु प्रदूषण को रोक देखते हुए जलने पर रोक लगाई है? तो ये रोक लगाई है पंजाब और हरियाणा राज्यों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की साथी संस्था ITF ने पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई को इस्लामाबाद से तटस्थ स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला किया। टाई कप 2019 में आयोजित होने वाली थी, तो ये सितंबर 2019 में आयोजन होने वाली थी, लेकिन अब इसका स्थानांतरण जो है दूसरी जगह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने RCEP समझौते में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। RCEP आसियान के 10 सदस्य राज्यों और कितने FTA भागीदारों के बीच एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है? तो ये जो है 5 FTA भागीदारों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है ये मनाया जाता है 5 नवंबर को, यानी इसका करेक्ट आंसर है 3rd।